तीन चरणों का मतदान देश की 18वीं लोकसभा का हो चुका है, जहां बीते मंगलवार को तीसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 10 और सीटों पर वोटिंग के साथ ही 26 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब जाकर के चार और चरण शेष है, जहां चौथे चरण में 13 मई को 13 ही सीटों पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन इस सबके बीच अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर सवार है उत्तर प्रदेश में, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो अब सबको हैरत में डालते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सूबे की 62 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसमें से दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें ऐसी रही जहां पर उन्होंने अपने कई प्रत्याशी बदल दिए, जिसमें से दर्जन भर में भी लगभग 8 से 10 सीटों पर तो एक भी नहीं दो बार प्रत्याशी बदले। लेकिन ये सिलसिला जो बदलाव का अखिलेश यादव ने बीच चुनावों में शुरू किया, वो केवल प्रत्याशी तक नहीं रहा बल्कि वो अब यहाँ संगठन में भी आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष 8 सालों तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान संभालते रहे नरोशोत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव ने पद से हटा करके श्याम लाल पाल को जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि गैर यादव नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने अगले 4 चरणों की राजनीति के लिए अपना यह कदम उठाया है। लेकिन कितना यह कदम अहम होने वाला है या फिर यह फैसला जो अखिलेश यादव ने लिया है, इसमें समान चीज देखने को मिली है, बदलाव, चाहे प्रत्याशियों का बदलाव हो नामांकन भरने के बाद भी और चाहे संगठन के स्तर पर बदलाव हो। ऐसे में बात इस खास पेशकश में हमारे सहयोगी अमन जी से होगी, इस ही बदलाव पर आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय। अमन जी, जो बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, और ये बदलाव जिस तरीके से अभी हम तक बात की हमने यहाँ पर, केवल प्रत्याशी बदलने तक ही सीमित नहीं रहा, वो बदलाव अब हमने संगठन पर भी देखा। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं, 8 सालों तक कमान संभाली है, प्रदेश नेतृत्व किया है सपा का, एकदम से बदलाव भी चुनावों में किया है। कितना ये अहम हो सकता है, क्योंकि जो सबसे अहम अखिलेश यादव की सीट है वो मैनपुरी भी है, जिसमें बीते मंगलवार को ही मतदान हुआ, तो क्या वहां पर भी बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं और क्या आगे वाली सीटों में भी करवाएंगे? देखिए, बिल्कुल, नरेश पटेल की आप बात करें, जाहिर बात है कि वो काफी अच्छे से सपा को लेकर प्रदेश में, और बिल्कुल चुनावों के बीच में उस तरह से जिस तरह से उनको हटाया गया है, सवाल इस पे भी खड़े हो सकते हैं अक्षय, क्योंकि आप देखें कि अभी जो पूर्वांचल है उसमें ओबीसी वोट बैंक का काफी दखल रहता है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल हो या पल्लवी पटेल हो, तमाम ओबीसी को साधने का प्रयास करते रहे। ऐसे में अगर नरेश पटेल को अखिलेश यादव ने जो हटाया है तो ये कहीं उनकी हार का कारण ना बन जाए, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त में जब चुनाव चल रहे हैं इस तरह की चीजों को करने से उनको बचना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से हम देख रहे थे एक एक सीट के ऊपर तीन तीन चार चार बार प्रत्याशियों को बदला जाना और एन वक्त पर प्रत्याशी बदल कर किसी और को टिकट दे देना, मुरादाबाद में आपने देखा, रामपुर में आपने देखा, तमाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें थी उन पर यही हाल हुआ कि चाहे मेरठ की सीट हो या फिर कहीं और की सीट हो, एक के बाद एक प्रत्याशी वहां पर चेंज होते रहे, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिहाज से नुकसानदायक हो जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात की इसमें कार्यकर्ताओं का भी जोश लेने का ठंडा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता किसका जो है किसका साथ दें और किसके विपक्ष में बातें बोले। अब जिस तरह से नरेश पटेल को हटाकर श्याम को पद पर बैठाया गया है, जाहिर बात है कि सोच तो जरूर होगी कि किसी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ लुभाया जाए, लेकिन ओबीसी वोट बैंक को नाराज करना, मेरे ख्याल से ऐसे वक्त में जब धीरे धीरे चुनाव जो है पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, आप देखेंगे कि चौथा चरण भी 13 मई को कह सकते हैं होने वाला है, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरह का कदम उठाया, फैसला किया है, और उनके ऊपर कहीं भारी ना पड़ जाए, ये उनको देखना जरूरी हो जाएगा। अब ऐसे में नरेश पटेल को हटाने की वजह क्या रही, क्या ऐसी बात रही कि उनको पद से हटाया गया और चुनाव के बीच में हटाया गया, ये भी अपने आप में सोचनीय प्रश्न जरूर बन जाता, क्योंकि इस तरह से अगर वो नेताओं को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटेगा, और अगर पार्टी की गतिविधि कह सकते हैं या पार्टी की जो खिलाफ जाकर कुछ काम कर रहे थे तो वो भी बताना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में जरूर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जो उनकी रणनीति को लेकर सवाल जरूर उठाते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर कई फैसले हैं जो अखिलेश यादव की रणनीति पर यहाँ सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो फैसले लिए गए हैं, सवाल उस फैसले के दौरान यानी उस जो समय सीमा है या कहें कि जो समय का चक्र है उसके कारण बीत रहे हैं, क्योंकि बीच चुनाव है और ऐसे फैसले कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव, बड़े स्तर पर बदलाव है, सवाल बनता है। लेकिन अखिलेश से इतर अगर हम अमन जी बात करें यहाँ पर मैनपुरी सीट की, क्योंकि मैनपुरी
पे जो 2021-22 में हमने उपचुनाव देखा डिंपल यादव ने जीत वहां दर्ज की, वहां अगर गौर किया जाए तो उस वक्त डिंपल यादव या सपा ने अकेले उपचुनाव लड़ा था मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। और अब अगर गौर किया जाए तो यहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने मैनपुरी पर पहली बार पूरी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा है, ऐसे में अब कांग्रेस का भी समर्थन है, तो क्या यहां पर मजबूत पूरी तरीके से मैनपुरी और अब कन्नौज में भी मतदान होना है 13 मई में, क्या वहां सपा नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल मैनपुरी का जिक्र आप कर रहे हैं, जाहिर बात है कि आपने सही कहा कि ऐसा पहला चुनाव है जो मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी में पूरी पूर्ण तरीके से लड़ा जा रहा है। और देखिए ऐसे में डिंपल यादव के ऊपर दबाव जरूर होगा, अखिलेश यादव के ऊपर दबाव जरूर होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से लगातार उनकी पार्टी जो है जीतते जीतते रह जा रही है। आपने देखा 17 में चुनाव वो हारते हैं, 19 में भी बहुत अच्छी सीटें उनके पास नहीं आती, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आती हैं, 22 में भी लगभग उनकी हार हो जाती है, 100 के आसपास सिमट जाते हैं। तो ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को यहाँ से एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी, राजनीतिक तौर पर समझना पड़ेगा पूरे माहौल को, तब कहीं जाकर वो फैसला कर सकते हैं। कई ऐसे मौके आए जब उनके जो साझेदार थे वो कह सकते हैं कि चुनाव खत्म होते ही जो है उन्हें छोड़कर चले गए। आप देखिए 2019 में 17 की बात करें, कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन था, चुनाव के बाद उनके साथ में गठबंधन टूट गया, 19 में मायावती के साथ में गठबंधन था, वो गठबंधन खत्म हो जाता है। 22 की अगर बात करें तो वहाँ पर जयंत चौधरी ओपी राजभर उनके साथ में नजर आते हैं, चुनाव के बाद जो है वो गठबंधन भी खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि पल्लवी पटेल भी उनसे किनारा कर लेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले जाते हैं। तो ये जो तमाम ऐसे फैसले हैं जो अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जा सकता है कि शायद वो जो राजनीतिक एक समझ परख होनी चाहिए उसमें कहने पर उनकी चूक हो रही है। आपने देखा कि जब आज़ाद के समर्थन देने की जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भरोसा कर करके अब थक गया हूँ, ऐसे ही किसी को मैं अब कह सकते हैं समर्थन नहीं दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं पशुपेश में है। ऐसे में मैनपुरी सीट जिस पर चुनाव हुआ है, कन्नौज सीट जिस पर चुनाव होने वाला है, दोनों सीटों के ऊपर निगाहें लगी हुई, क्योंकि पति पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में कह सकते हैं मुलायम सिंह की बाद लोकसभा का पहली बार चुनाव यहां पर अखिलेश यादव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी रहती है इसको लेकर सबकी निगाहें उनके ऊपर लगी हुई हैं, सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि पार्टी के संस्थापक और खुद अपने पिता यानी मुलायम सिंह के निधन के बाद या उनके बिना अखिलेश यादव ये पहला पूरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अमन जी एक और चीज मुझे लगता है कि बात उस पर होनी चाहिए, यहाँ जिस तरीके से प्रतीक यादव को बदायूं सीट सौंपी है अखिलेश यादव ने पिता उनके शिवपाल यादव के बाद, तो यानी कि अखिलेश यादव यादव परिवार से एक और सदस्य को टिकट दे दिया गया और चुनावी मैदान में उतार दिया गया। वहीं अगर हम अपर्णा यादव को देखें, भाजपा का दामन थामा था, बड़े कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर कि वे पहुंची थी और उन्हें लेकर ये सवाल बन रहा था कि क्या बीजेपी उन्हें कैसरगंज या रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन वो उन्हें नहीं बनाया गया। क्या कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के मन में ये बात आएगी अब कि परिवार के एक और सदस्य को सपा की तरफ से तो चुनावी मैदान में उतार दिया गया है लेकिन मैं अभी भी चुनावी राजनीति से दूर हूँ, क्या भविष्य में क्या चुनावों के बाद वो विचार सपा में आने का कर सकती है? देखिए अपर्णा यादव को लेकर बारंबार यही बात निकलकर सामने आती है अक्षय कि भाई आखिर ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर लिया कि बीजेपी में शामिल हो गई। अब तक आप देख रहे हैं कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें किसी अहम जिम्मेदारी को कह सकते हैं सौंपा गया हो या किसी अहम पद पर उनको बैठाया गया हो। 2024 की अगर बात करें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई सीट पर उनको चुनाव में उतारा जा सकता है, यहाँ तक कि जो कैसरगंज की सीट है उसको लेकर भी कहने की बातें निकल कर सामने आई कि ब्रजभूषण के जो दाग हैं बीजेपी के दामन पे उसको धोने के लिए हो सकता है अपर्णा यादव को वहां से चुनाव मैदान में उतार दे, लेकिन वो भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बारंबार इस तरह की चीजें होंगी तो हो सकता है कि अपर्णा यादव वापस सपा खेमे में आती हुई नजर आ जाए, क्योंकि शिवपाल यादव भी लगातार इसी उम्मीद में है कि अपर्णा यादव जल्दी सपा में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से उनका बारंबार अपमान हो रहा है, बारंबार उनको साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा उनका ही बयान था कि मैं मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, वहां मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपको चुनाव लड़वाना ही है तो मैं रायबरेली तक से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, जहाँ पर प्रियंका गांधी उस समय ऐसा लग रहा था कि वो उतरेंगी, उनके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि मैनपुरी छोड़कर मुझे कहीं से भी आप चुनाव लड़वाइए, मैं चुनाव में उतरूंगी। लेकिन बीजेपी ने बारंबार शायद यही कोशिश की होगी कि मैनपुरी पे कह सकते हैं कि सपा परिवार की या यूं कहें कि मुलायम परिवार की जो बहुएं हैं वो आपस में टकराती हुई नजर आए, लेकिन अपर्णा यादव ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो अपर्णा यादव की वापसी सपा खेमे में होती हुई दिखाई पड़ेगी। हो सकती है बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव की जो वापसी सपा खेमे में हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का दामन तो उन्होंने जरूर थामा लेकिन बीजेपी ने उन्हें वो वरीयता नहीं दी, वो प्राथमिकता नहीं दी जो कहीं ना कहीं सोच करके अपर्णा भाजपा की ओर आई थी। अब यहाँ पर ये भी चीज देखने वाली रहेगी कि क्या 4 जून को चुनावी परिणाम के बाद अपर्णा यादव अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को बेहतर बनाने
के लिए क्या समाजवादी पार्टी की ओर आएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बनी रहेंगी और अपनी इस सियासी पारी को यहाँ बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हुए बीजेपी के साथ ही जारी रखेंगी या सपा में आ ही जाएंगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 News।